हम तो 6 साल से सच सुन रहे हैं और झूठ को भी सच मान रहे हैं। जो सच लिखता है उसे गद्दार देशद्रोही कहकर पुकारा गया बोल दिया जाता है। बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता, बहुमत बड़ा चंचल होता है। लाल किले पर तिरंगे का अपमान करने वाला जो कोई दीप सिद्धू है वो कौन है, किसका आदमी है, उस बारे में तो आप नहीं बता दे। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्णब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारी सबको बता दी, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। मोदी सरकार अत्यधिक अहंकार হৈছে এই অভিযোগ আমি কৰা নাই। আওপকীয়াকৈ এই অভিযোগ কৰিছে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সঞ্জয় ৰাওতে। কালি ৰাজ্যসভাৰ সদনৰ মজিয়াত ৰাওতে কৃষক আন্দোলনৰ সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰিবলৈ গৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অহংকাৰ হোৱা বুলি অভিযোগ তোলে। আনকি মোদী চৰকাৰে বিৰোধীৰ কোনো ধৰণৰ সমালোচনা সহ্য কৰিব নোৱাৰে তথা কোনোৱে যদি তেওঁলোকক সমালোচনা কৰে বা চৰকাৰৰ কাম কাজত যদি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে তেন্তে তেওঁলোককে দেশদ্ৰোহী সজাই দিয়ে বুলিও গুৰুতৰ অভিযোগ তোলে ৰাওতে। পন্তপ্ৰধান মোদী আমাৰ লৈ আদৰণীয় হে, দেশকে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাম সন্মান কৰতে কৰতে ৰহেংগে। उन्हें प्रचंड बहुमत मिला है देश चलाने के लिए, हम ये मानते हैं। लेकिन बहुमत जो होता है वो अहंकार से नहीं चलाया जाता, बहुमत बड़ा चंचल होता है। हमारे मराठी के एक संत है तुकाराम, संत तुकाराम, उसने कहा है निंदकाचे घर असावे शेजारी। उसका मतलब है जो आपका निंदक है, जो आपके ऊपर क्रिटिसाइज करता है, आपको आईना दिखाता है, वो आपके आसपास रहना चाहिए, उसका घर आपके बगल में रहे। लेकिन आज ऐसा है कि जो निंदा करे, जो टीका करे, आप उसको बदनाम कर देते हो। প্ৰকৃততে দেশদ্ৰোহী কোন? মোদী চৰকাৰৰ কাম কাজক সমালোচনা কৰা সকলেই দেশদ্ৰোহী নেকি? এই সন্দৰ্ভত শিৱসেনাৰ সাংসদগৰাকীয়ে ৰাজ্যসভাত ৰখা বক্তব্যত বহু কথাই তুলি ধৰিছিল। তেওঁ কি কৈছিল আমি শুনাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। হম তো 6 साल से सच सुन रहे हैं और झूठ को भी सच मान रहे हैं। लेकिन आज जो चल रहा है हमारे देश में, जो माहौल है, मैं देखता हूं जो सच बोलता है, जो सच लिखता है उसे गद्दार देशद्रोही कहकर पुकारा गया बोल दिया जाता है। कल इस बारे में चर्चा हम लोगों ने की, दिग्विजय साहब ने बहुत उस बारे में कहा है। सर, जो सरकार से सवाल पूछेगा उस पर देशद्रोही का मुकदमा ठोक दिया जाता है। कितने नाम मैं आपको बता सकता हूं। हमारे सदन में संजय सिंह, लुई हमारे सदस्य है संजय सिंह, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा है। राजदीप सरदेसाई जाने माने पत्रकार, जिसको हमने सरकार ने पद्मश्री दिया है, पद्म पुरस्कार सम्मानित किया है, उसको हमने देशद्रोही बना दिया है। शशि थरूर, जो यूनाइटेड नेशन में हमारे देश के प्रतिनिधि थे, एमपी है, कैबिनेट में थे, उसको भी देशद्रोही का उसके ऊपर मुकदमा ठोक दिया है। जो सिंगू बॉर्डर पर रिपोर्टिंग करने वाले मंजीत सिंह, धर्मेंद्र सिंह और भी ऐसे बहुत से पत्रकार हैं या लेखक है, उसको हमने इस कानून के तहत, देशद्रोही के कानून के खिलाफ मुकदमा ठोक दिया है। मुझे लगता है कि हमारे कानून के किताब में से सब आईपीसी धाराएं खत्म कर दी और सब देशद्रोही की धारा एक वही रख दी है। डोमेस्टिक वायलेंस हो तो भी देशद्रोह का मुकदमा आप ठोक देंगे। लेकिन देश प्रेमी कौन है हमारे देश में? अर्णब गोस्वामी, जिसके वजह से एक निरपराध व्यक्ति महाराष्ट्र में जिसने आत्महत्या की, कंगना रनावत, ये देश प्रेमी है। राष्ट्रीय नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल सीक्रेट संदर्भात उस संदर्भ में उसने जो सामने लाया है पूरा ऑफिशियल सीक्रेट तोड़ दिया हमारा। बालकोट स्ट्राइक के बारे में पहले से जानकारी सबको बता दी, वो आपके शरण में है, उसको आपका प्रोटेक्शन है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, आप उसके ऊपर बात नहीं करते। और यही आदमी, ये अर्णब गोस्वामी, जो हमारे मंत्री बैठे हैं वहां, प्रकाश जावड़ेकर जी,
हम उसका आदर करते हैं हमारे महाराष्ट्र से। क्या लिखा उसके बारे में, प्रकाश जी के बारे में, जो उसने पूरा जो आप संभाषण जो डायलॉग आया है ना, तो एक कैबिनेट को भी ये ठीक नहीं है, हमारे सरकार को ठीक नहीं। एक मंत्री के बारे में एक टीवी एंकर जिस भाषा का इस्तेमाल करते, अरे हम छोड़ो, हम राजनीति में, हमारे बारे में आप कुछ भी बोलो हम सहन लेंगे, लेकिन एक कैबिनेट में एक हमारे मंत्री है उस बारे में जो बात करती है, और आपको शर्म आनी चाहिए सबको, आप उसको शरण दे रखिए, तो ये जो चल रहा है ये नहीं चलेगा सर। दिल्ली सीमांत देखने पा गई से कृषक आंदोलन भरपक रूप, कृषक आंदोलन अनिरुद्ध गति और संघटित रूपर दृढ़ता देखि थरकाचुटी हेरवाई ने कि केन्द्रीय सरकार तथा दिल्ली आरक्षी। चिंतित मोदी सरकार कृषक आंदोलन रुधिबले दिल्लीर सिंघू सीमांत गजाल पुताओ देखने पा गई, कृषक सूतक बाधा प्रदान दिल्ली आरक्षी राजपथत बोल्डार बेरिकेड फेन्सिंग आदि दियारे निर्माण कर पकी देवाल। सोमवार सिंघू सीमांत रद सीमेंटे ये पकी बेरा निर्माण कर छवि सोशल मीडिया भाइरल हो पड़े। इफाले गाजीपुर सीमांतो बेरिकेड निर्माण कर प्रति क्षणते ड्रोने निरीक्षण करा, ठीक सीदर सरकार काम काज समालोचना करवते कहार दरे देशद्रोही सजा कारागार निक्षेप कर उदाहरणों नथका नारे मैं कल्पज्योति शकिया विदाय लैस, चाय थक नर्थ इस्ट नाउ। धन्यवाद।